आज बनाएंगे हम पोहे वाली खीर। खीर कई तरीके की बनाई जाती है, जैसे चावल की खीर, गुलाब की खीर, समा के चावल की खीर, जिसमें से आज हम पोहा खीर बना रहे हैं। शुरू करते हैं। कढ़ाई में मैं डाल रहा हूँ मिल्क 500 ml, यानी कि आधा लीटर मैंने मिल्क डाल दिया है कढ़ाई में और छान के डाला है, मतलब छलनी लगा दी इससे, क्योंकि पैकेट वाला दूध है, और गैस पर रख दिया है। उबाल ले लेंगे एक, और बीच बीच में ऐसे चलाते रहेंगे जिससे कढ़ाई के तले में दूध ना लगे। एक उबाल आ जाने देते हैं, फिर हम इसमें पोहे डालेंगे। तो आप देख सकते हैं कढ़ाई में दूध में उबाल आया, मैंने गैस की स्पीड कम कर दी, और अब इसके अंदर हम डालेंगे पोहे। तो पोहे मैंने यहाँ पे लिए हैं आधा कप, यानी कि लगभग हैं 30 से 35 ग्राम के आसपास। नॉर्मल वाले पोहे हैं जो घर पर आसानी से मिल जाते हैं, वही पोहे लिए हैं मैंने, डाल दिए हैं, और अब उनको हम लोग फूलने देंगे। ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, 3-4 मिनट लगेंगे और ये हमारे जो पोहे हैं वो अच्छे से फूल जाएंगे। जब ये पोहे मिल्क के दूध के अंदर अच्छे से घुल मिल जाए ना, तब तक हमें, अभी आप देखो ऐसे मैं करके देख रहा हूँ तो पोहे अलग मिल्क अलग हो रहा है, कुछ देर बाद क्या होगा दोनों एक साथ मिक्स हो जाएंगे। अभी आप देख सकते हो दोनों मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ चीनी, 1/4 कप चीनी है, लगभग 40 ग्राम के आसपास होगी, ये मैंने डाल दी है। और अब इसमें हम डाल देते हैं चिरौंजी। चिरौंजी नहीं डालना चाहते आप स्किप भी कर सकते हैं। किशमिश डाल दी है मैंने 1 टेबल स्पून, काजू डाल दिए हैं काजू के टुकड़े, आप बादाम डाल सकते हो, और ये ड्राई फ्रूट तो आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। और अब इसमें हम डाल देंगे केसर के कुछ धागे, जो कि ऑप्शनल है, आप शुरू में भी डाल सकते हो स्टार्टिंग में। मैं अब डाल रहा हूँ कुछ धागे, डाल दिए हैं मैंने केसर के, थोड़ा सा कलर येलो हो जाएगा। और ये मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है 1/4 छोटा चम्मच, या 3-4 इलायची को आप कूट के पाउडर बना लेना, वो आप डाल देना। मैंने यहाँ पर पाउडर डाल दिया है। बस मिक्स करने के बाद खीर हमारी बिल्कुल तैयार है। ज़्यादा गाढ़ी हम नहीं करेंगे, क्योंकि पोहे डाले हैं तो कुछ देर बाद क्या होगा ये ऑटोमेटिक ही गाढ़ी हो जाएगी खीर। तो अभी ये हमारी बिल्कुल तैयार है, आप ठंडा ठंडा सर्व कीजिए या गर्म गर्म सर्व कीजिए। मैंने प्लेटिंग कर दी है, बाउल में निकाल लिया है, आइसक्रीम बाउल में निकाला है, और ऊपर पिस्ता से गार्निश और केसर के कुछ धागे से गार्निश कर दी है, आप अपने अकॉर्डिंग गार्निशिंग कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो रेसिपी पोहा खीर, सिंपल सी थी और फटाफट बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। चावल की खीर, गुलाब की खीर, पोहे की खीर, समा के चावल की खीर, ऐसे ही काफ़ी तरीके की, काफ़ी फ्लेवर की खीर बनाई जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, और वीडियो रेसिपी देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, मैंने वहाँ पर लिंक दी हुई है।